तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं करंट अफेयर का दूसरा लेक्चर। करंट अफेयर सीरीज आपको डेली डेली अपलोड होती रहेगी और करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में अप्रॉक्स, जैसे आपका एग्ज़ाम 3 महीने बाद है या 2 महीने ढाई महीने बाद है, तो जैसे आज से आपने स्टार्ट किया पढ़ना, तो अब से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्ज़ाम पे कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। आज हम वन बाय वन एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन भी होंगे, आंसर भी देंगे और उसके बारे में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड नीचे की जानकारी भी देखेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है। अभी लिखा हुआ है, हाल ही में अमेज़न के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अमेज़न के नए सीईओ के रूप में ऑप्शन है एंडी मेसी, हेनरी मोनिस, लॉयल ऑस्टिन या डगलस एम हॉफ को। तो इसमें सही ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन है, एंडी मेसी को हाल ही में अमेज़न का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं अमेज़न के बारे में, लिखा हुआ है कि अमेज़न की स्थापना के बारे में देख लेंगे, किसने करी, कब करी। तो इसमें लिखा हुआ है कि अमेज़न की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। इसके संस्थापक कौन है? अभी इसके पहले इसके सीईओ जो थे जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस अभी भी दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से एक है। इसके बाद लिखा हुआ है इसका मुख्यालय कहाँ है, किसका मुख्यालय? अमेज़न का। अमेज़न का मुख्यालय है वाशिंगटन। वाशिंगटन क्या है? अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन में अमेज़न का मुख्यालय है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कम्प्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लेस और क्लाउड कम्प्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। देखते हैं अगला, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि चंडीगढ़, क्या लिखा हुआ है? चंडीगढ़ के नए अध्यक्ष कौन बने? क्वेश्चन लिखा हुआ है चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? इस पे ऑप्शन लिखा हुआ है प्रदीप छाबड़ा। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रदीप छाबड़ा। या दूसरा लिखा हुआ है अमित कुमार, और तीसरा लिखा हुआ है बिन्नी बंसल, और चौथा लिखा हुआ है सुभाष चावला। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चावला। चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुभाष चावला, सही आंसर होगा। अब देखते हैं इसके बारे में, चंडीगढ़ के बारे में लिखा क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 26 दिसंबर 1885 में, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साइन क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साइन क्या है? पंजा। आज भी देख रहे होंगे राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कितना विरोध कर रही है। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल रहे हैं। सोनिया गांधी जी, मतलब वो तो इसके सबसे जो बेस्ट लीडर कहे जाते थे वो थे डॉक्टर मनमोहन जी, और मनमोहन जी थोड़ा मूक भाषा के थे, मतलब वो कभी बोलते नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं कि मनमोहन जी बोल नहीं सकते थे, मनमोहन जी के पास बहुत नॉलेज है। मतलब आज भी अगर देखा जाए तो अपने पूरे भारत में रियल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा किसी को नहीं आती थी जितनी आज की डेट में मनमोहन जी को आती है। मतलब अगर देखा जाए, आप पता करेंगे मनमोहन जी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो आज भी उनका इकोनॉमी का लेक्चर फॉरेन पे लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कांग्रेस से अन्य पार्टियों के मतलब अध्यक्ष कौन है। तो अन्य पार्टियों की भी बात करते हैं, तो इसमें से पहला लेते हैं, लिखा है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसके आप सभी लोग फैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा, भारतीय यानी बीजेपी के। और इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती, मायावती सुश्री मायावती के नाम से जिसको जानते हो। ठीक है, आगे लिखा है भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? भारतीय कांग्रेस पार्टी, अभी मैंने नाम लिया था, सोनिया गांधी हैं। इसके बाद लिखा है नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कौन है? ये हैं कॉनराड संगमा। किसके? नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष। इसके बाद आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल ने बनाई है, दिल्ली में है, दिल्ली के सीएम है आज की डेट में केजरीवाल, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से भी एक हैं। तो आप आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? केजरीवाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन क्या हुआ है, इजराइल पहला ऑप्शन है, दूसरा है फ्रांस, और तीसरा है चाइना, और तीसरा के बाद चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यही इसका सही आंसर होगा। देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी यानी अमेरिका की राजधानी अभी मैंने पढ़ा है वॉशिंगटन है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय है जो बाइडेन, और अमेरिका में आज कितने हैं आज की डेट में, तो 50 राज्य हैं। जैसा अभी एक क्वेश्चन दूसरी लाइन पे देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति के पद में कौन है, वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस को कहा जाता है कि भारतीय मूल की निवासी हैं। आपने कभी संविधान में पढ़ा होगा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन के लोग चुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस एंग्लो इंडियन के भी रूप में एक तरह से इनको दर्जा दिया जा सकता है। अच्छा, जो बाइडेन जो भारत अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, इनके पहले राष्ट्रपति कौन थे, बहुत ही खतरनाक थे, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आपको बता दें कि अब तक अमेरिका में जितने भी चुनाव हुए हैं सबसे ज्यादा बहुमत पाने वाले व्यक्ति हैं जो बाइडेन, और सबसे कम बहुमत पाने वाले व्यक्ति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आइए देखते हैं इससे और आगे लिखा हुआ है। अमेरिका ने 1887 में रूस अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने रूस में रूस से अलास्का राज्य खरीदा था। कब खरीदा था, 1867 में, 1867 में रूस से अलास्का राज्य खरीदा था। भारत में मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार भी किस देश से लिए गए हैं, वो भी लिए गए हैं अमेरिका से। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं अमेरिका से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है फोर, क्वेश्चन नंबर फोर पे देखते हैं। लिखा है हाफ बिजली योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, हाफ बिजली योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है गुजरात, गुजरात के बाद है बिहार, और बिहार के बाद है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बारे में अभी हम लोग पूरा देखते हैं। लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के बारे में, लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार का कहना है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने क्या कहा कि हाफ बिजली योजना से प्रदेश में लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को, महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मतलब हाफ बिजली योजना का मतलब यह है कि बिजली आधी खर्च करी जाए, और इससे क्या होगा कि बहुत से उपभोक्ताओं को इस चीज के लिए लाभ भी मिलेगा। मतलब घरों में देखते हो आज की डेट में जैसे गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में किसी ने एसी लगा रखा है, किसी ने कूलर लगा रखा है, क्योंकि आज की जो सोसाइटी आराम सभी लोग मांगते हैं। मतलब एसी चल रहा है, फुलटू सो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो उससे क्या होता है, बिजली का बिल बहुत आता है। तो जो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसने क्या किया है कि छत्तीसगढ़ में एक बिजली हाफ बिजली योजना शुरू कर दी है। ठीक है, बिजली योजना, हाफ बिजली बिल योजना, मतलब कि आधा बिजली, जिससे कि क्या है कि वहां के जो उपभोक्ता लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, बिजली के बिल में उनको छूट मिल जाएगी। आगे लिखा हुआ है हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी गई है। मतलब एक तरह से ये कहा जाता है कि अगर 400 यूनिट खर्च करी है तो उनको 200 यूनिट का ही बिल देना पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो और ज्यादा एसी कूलर चलाएंगे छत्तीसगढ़ के लोग, है ना। आगे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को। आगे इसके लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी भी इस पे मतभेद चल ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 2000 को, और ये किससे टूट के बना था, ये मध्य प्रदेश से टूट के बना था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो किस राज्य से टूट के बना था, तो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। लिखा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी अभी तक हम लोग पढ़ते थे रायपुर, लेकिन कुछ दिन बाद आई नया रायपुर,
नया रायपुर के बाद अब ये डिमांड आई है कि अब इसको कर दिया जाए अटल नगर के नाम से। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी अब जानी जाएगी अटल नगर के नाम से। और एक बात और याद रख दें कि जितने भी भारत में नाम चेंजेस हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कम 60% जगह के नाम रखे जा रहे हैं, जैसे ब्रिज वगैरह हो गए, तो ये सब ज़्यादातर कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा मान्यता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और वो किस पार्टी से हैं? तो वो कांग्रेस पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, और किस राज्य से हैं? कांग्रेस से। छत्तीसगढ़ राज्य के गवर्नर कौन है? गवर्नर है अनसुईया उइके। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल जो हैं वो है अनसुईया उइके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं शुरू करी है? मतलब एक तरह से प्रज्ञान भारती का मतलब ये है कि जब आप लोग बुक खरीदते हो तो जो लड़कियां हैं मतलब गर्ल्स हैं उनके लिए विद्यालय में बुक्स प्रोवाइड करें, मतलब बुक्स खरीदने के लिए एक अलग से चार्ज दिया जाएगा, जैसे स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो प्रज्ञान भारती का मतलब यही है। तो किस सरकार ने शुरू किया है? आसाम की सरकार ने राज शुरू किया है काम। ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय और आसाम। तो इसका सही आंसर आप क्लिक करिएगा आसाम। देखते हैं आसाम के बारे में, आसाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां। हाँ, तो आसाम के बारे में क्या लिखा हुआ है? आसाम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश, मतलब इस पे नाम भी ऐसा देते हैं कि पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश स्वाति विधान बरुआ है। आसाम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश अभी हाल ही में है, ये रिसेंट ही डेटा है, स्वाति विधान बरुआ। भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? भारत का जो सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम है प्रोडक्शन होता है, जहाँ से उत्पाद किया जाता है तेल का, वो किस राज्य से है? आसाम से। आसाम का डिगबोई सुना होगा आपने, ठीक है, तो आसाम से है। आसाम का पुराना नाम क्या है? बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आसाम का पुराना नाम क्या है, तो आसाम का पुराना नाम है कमरूपा, याद रखिएगा। आसाम की स्पोर्ट एम्बेसडर कौन है इस समय? हेमा दास है। कौन है? हेमा दास। आसाम की टूरिज्म एम्बेसडर कौन है? टूरिज्म एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा, और इनके हस्बैंड का नाम आप सभी जानते होंगे निक जोनस, ठीक है। मतलब काफी इन दोनों के बीच में क्या है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच में एज का बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से इनकी मैरिज हो गई, बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, असम का राष्ट्रीय उद्यान। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए असम का राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, ठीक है, ये पॉइंट मिस मत करिएगा। अब देखते हैं इसके आगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है द इकोनॉमिक यूनिट, द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक। सबसे पहले तो हम देखेंगे लोकतंत्र सूचकांक है क्या। लिखा है कि द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं आपके पास, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और भारत। तो इसका सही आंसर होगा आइसलैंड। अब देखते हैं कि लोकतंत्र सूचकांक है क्या आखिर। तो देखते हैं लोकतंत्र सूचकांक के बारे में लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में दुनिया, लोकतंत्र सूचकांक क्या है ध्यान से सुनिएगा, इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति आकलन 5 पैमानों में किया गया है। लोकतंत्र की स्थिति का आकलन कितने पैमानों में किया गया? 5। पहला पैमाना क्या है इसमें से? चुनाव प्रक्रिया और बहुलता। दूसरा पैमाना है सरकार की कार्यशैली। तीसरा है राजनीतिक भागीदारी, और चौथा राजनीतिक संस्कृति, और पांचवा है नागरिक आजादी। तो इस तरह ये 5 लोकतांत्रिक की स्थिति के आकलन है, यानी 5 पैमाने हैं किसके? लोकतांत्रिक की स्थिति को ऑब्जर्व करने के लिए। देखते हैं इसके आगे, लिखा हुआ है इसमें से टॉप 3 देश कौन से हैं? आइसलैंड तो अभी है, और इसमें टॉप 3 और कौन से हैं? तो पहला है नॉर्वे। पहला कौन सा है? नॉर्वे। पहला है नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 और यहां से हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है एयर मार्शल अमित तिवारी को, या दूसरा ऑप्शन है एयर मार्शल मालवीन सिंह को, और तीसरा है एयर मार्शल गौतम वर्मा को, या चौथा है एयर मार्शल सौरभ कुमार को। तो इसका सही आंसर है एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को दक्षिणी वायुसेना कमान का अध्यक्ष सचिव या प्रमुख चुना गया है। देखते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना के बारे में लिखा हुआ है मध्य वायुसेना कमान के प्रमुख अमित तिवारी हैं। मध्य वायुसेना कमान के प्रमुख कौन है? अमित तिवारी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को, यानी इंडियन एयर फोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। 8 अक्टूबर 1932 से पहले इसको रॉयल एयर फोर्स के नाम से जानते थे, ऐसा नहीं कि ये नहीं थी पहले, रॉयल एयर फोर्स के नाम से भी इसको इसके पहले जानते थे, और इसका नाम चेंज हुआ है बाद में। फिर लिखा है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में, और पिछले करंट अफेयर की वीडियो में बताया था कि तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली ही है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो। आगे लिखा है भारतीय वायुसेना दिवस, मतलब इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर को, आर्मी डे 15 जनवरी को। मतलब याद रखिएगा ये सारी डेटा। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, आरकेएस भदौरिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये है रक्षा सलाहकार है विपिन रावत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इसके क्या है कि नए उपसेना प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? चांडी प्रसाद मोहंती को नए उपसेना प्रमुख के रूप में। फिर लिखा है नौसेना के अध्यक्ष, ये भी एक लास्ट पॉइंट था कि नौसेना के अध्यक्ष कौन है, यह है करमवीर सिंह। तो दोस्तों आप लोगों ने 7 क्वेश्चन में से जीएस के भी कई पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, और करंट अफेयर भी आपकी काफी कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी, और आपके जो भी नियरेस्ट एग्जाम होंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं करंट में कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। ठीक है, अब मिलते हैं आगे कल। जय हिंद दोस्तों।